ये पेरिंगटन नाम का बेर इस जेल में फंस जाता है जहाँ का खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, और जब पेरिंगटन उस खाने को खाता है तो उसे भी वो खाना बहुत बुरा लगता है, इसलिए वो उसकी बुराई कर देता है। जिसे सुन बाकी गैरी उसे चुप कराते हैं और उसे बताते हैं कि वो लोग ये खाना पिछले 10 साल से खा रहे हैं, क्योंकि इसको बनाने वाला शेफ निकल्स एक बहुत खतरनाक इंसान है। इसलिए जेल के सभी गैरी उसे डरते हैं, लेकिन पेरिंगटन तो पूरे स्वैग के साथ शेफ निकल्स के पास जाता है और उसे बोलता है, साले धरती के बोझ, तूने अपना खाना खुद खाया है। तो शेफ निकल्स उसे बोलता है, हाँ, जिसके जवाब में पेरिंगटन बोलता है, तो तू अभी तक जिंदा कैसे है? ये बात सुन शेफ निकल्स को गुस्सा आ जाता है, लेकिन पेरिंगटन तो उसकी तोप जैसी शक्ल से भी नहीं डरता और उसके सिर पर ब्रेड मार देता है और उससे मेन्यू चेंज करने का बोलता है। लेकिन तभी बातों बातों में पेरिंगटन से गलती से केचप शेफ निकल्स के ऊपर गिर जाती है, जिससे शेफ निकल्स और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। इसलिए पेरिंगटन उसे साफ करने के लिए उस पर मस्टर्ड सॉस भी डाल देता है और उसे हाथ से साफ करने लगता है, जिससे शेफ निकल्स और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो पेरिंगटन को पकड़ लेता है। लेकिन इससे पहले वो पेरिंगटन का सैंडविच बनाता कि पेरिंगटन उसे खुद का बनाया हुआ मामले सैंडविच खिला देता है, जो उसे उसकी आंट ने बनाना सिखाया था, और इस सैंडविच का टेस्ट शेफ निकल्स को भी बहुत अच्छा लगता है, इसलिए वो पेरिंगटन को अपना असिस्टेंट बना लेता है। अब पेरिंगटन रात को आराम से अपने बेड पर सो रहा था कि तभी शेफ निकल्स आकर उसे उठा देता है और उसे अपने साथ अपने किचन में लेकर आता है और उसे ऑरेंज मामलेट की रेसिपी पूछता है, जिसके बाद ये दोनों मिलकर पूरी रात ऑरेंज मामलेट बनाते हैं। और अगले दिन पेरिंगटन सभी कैदियों को उनके न्यू ब्रेकफास्ट मामलेट सैंडविच का बताता है और उन्हें खाने का बोलता है, लेकिन कोई भी कैदी उसे नहीं खाता, जिससे शेफ निकल्स को गुस्सा आ जाता है और वो अपने किचन में चला जाता है। इसलिए पेरिंगटन उसे समझाता है और बाहर आने का बोलता है, लेकिन शेफ निकल्स नहीं मानता। इसलिए पेरिंगटन उसे किचन की विंडो ओपन करके दिखाता है तो शेफ निकल्स भी हैरान हो जाता है, क्योंकि सभी कैदी बड़े मजे से उनका बना हुआ मामलेट सैंडविच खा रहे थे। ये देख शेफ निकल्स को बहुत अच्छा लगता है और वो बाहर आ जाता है, और उसके बाहर आते ही सभी कैदी उसके लिए और पेरिंगटन के लिए तालियां बजाने लगते हैं, जिसे देख ये दोनों बहुत खुश होते हैं। और तभी पेरिंगटन को एक आइडिया आता है और वो सभी कैदियों से पूछता है कि उन्हें कोई दूसरी रेसिपी बनाना आती है, जिसे सुन शेफ निकल्स पेरिंगटन को बोलता है, इनमें से किसी को भी कुछ भी बनाना नहीं आता। लेकिन तभी कुछ कैदी खड़े हो जाते हैं, जिनमें से कुछ को चॉकलेट बनानी आती थी और कुछ को केक। ये देख शेफ निकल्स भी काफी हैरान होता है, जिसके बाद ये सब मिलकर अलग अलग तरह के केक बनाने लगते हैं और पूरे जेल को एक स्वीट से जेल में बदल देते हैं, जहाँ ये लोग बहुत मजे करते हैं।